नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का, और आ गए आज फिर से हम डेली तड़का न्यूज़ लेके आपके लिए ई कॉमर्स के वर्ल्ड की कुछ खास खबरें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो खबर है वो अमेज़ॉन की तरफ से है। वैसे अमेज़ॉन की रोज़ थोड़ी खबरें रहती ही है, फॉर सम गुड और सम बैड रीजंस, मोस्टली तो गुड ही रहती है। इस बार जो खबर है वो अमेज़ॉन के लॉस के बारे में है। अमेज़ॉन ने इस साल अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 3,300 करोड़ के आसपास का लॉस ऑलरेडी कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि 3,300 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन डॉलर्स हुआ। इंडिया के करेंसी के हिसाब से देखें तो मतलब हमारी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इतने पैसे देखने में भी, तो उतना तो उन्होंने एक साल में ही लॉस कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इज़ दिस द एंड ऑफ अमेज़ॉन। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे ये सुन के कि इतना लॉस किया है तो ये अमेज़ॉन बंद तो नहीं हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अमेज़ॉन के पास ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं, वो उतनी कंपनी की वैल्यू है, और अमेज़ॉन चाहे तो आराम से 10 बिलियन डॉलर और फेंक सकता है इंडिया में। मेन रीज़न यही है लॉस करने का कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत हाई लेवल पे कंपटीशन दे रहे हैं स्नैपडील को, फ्लिपकार्ट को, पेटीएम को, और उसकी वजह से उनके जो खुद की ब्रांड है, खुद की जो कंपनी है क्लाउड टेल करके, तो वो बहुत सारा डिस्काउंट देती है कस्टमर्स को। तो उसकी वजह से कस्टमर्स को तो बहुत फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन वो एक लेवल मेंटेन करने के लिए वो खुद का लॉस किए जा रहे हैं डे बाय डे। वैसे उनको कोई चिंता है नहीं, क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है, और इंडिया में अभी एट द मोमेंट वो अपना दबदबा जमाने के लिए ये थोड़ा लॉस कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक कि मुझे पता है, इन फ्यूचर जब सब हार के बैठ जाएंगे तब अमेज़ॉन जो है वो एक सिंगल कंपनी ऐसी होगी मेरे हिसाब से जो खड़ी रहेगी और जो चाहे वो करेगी इंडिया में। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी अच्छा कंपटीशन दे और उनको भी सपोर्ट मिले, इन्वेस्टर्स के पैसे मिले, और वो भी कुछ अच्छा करे ताकि सब बैलेंस में चले और सेलर्स को भी मज़ा आए। ऐसा ना हो कि फिर एक ही कंपनी बचे इंडिया में और फिर उसी कंपनी की जो मोनोपोली चलती है वो मोनोपोली के हिसाब से सेलर्स को भी सेल करना पड़े। आई होप कि सेल जो भी कंपनीज़ हैं उनका लॉस थोड़ा कम हो जाए और प्रॉफिट करना शुरू करें ताकि सेलर्स और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो और वो भी प्रॉफिट में आ सकें। दूसरी खबर है दोस्तों SBI और PayTM के टक्कर के बारे में। आज की अभी लेटेस्ट खबर है कि SBI ने अपने अकाउंट से अगर आप PayTM वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो वो फीचर डिसेबल कर दिया है। बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई बैंक ये फीचर डिसेबल क्यों करेगी जब मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, पेटीएम से या फिर कोई भी वॉलेट से पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया SBI ने? और मैं जो बोलूँगा अभी वो सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। एक बंदे ने ट्वीट किया था ट्विटर पे कि SBI का बड़ी ऐप जो है उसका इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है। तो सामने पेटीएम का रिप्लाई आया उसी ट्वीट पे कि हम बैठे हैं, मतलब वी आर देयर फॉर यू, ऐसा थोड़ा कुछ लिखा, और शायद SBI को पसंद नहीं आया तो उन्होंने सीधा जो मनी ट्रांसफ़र फीचर है SBI टू पेटीएम वो डिसेबल कर दिया। अब वो चाहते हैं किसी बड़ी के थ्रू ही पेमेंट हो। तो आप ही बताइए कि ये क्या सही है या गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी कहने की फ्रीडम है इंडिया में, कह सकता है, बट ऐसे एक्शन लेने से अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ही इम्पैक्ट होगा। अगर आपके पास SBI अकाउंट है और आपके बड़ी अकाउंट से आपको मज़ा नहीं आ रहा है यूज़ करने का, कहीं पे पेमेंट करना है, फीचर्स अच्छे नहीं है, तो आपको मजबूरन वो ऐप अभी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप पेटीएम यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब पेटीएम का ऐप जो है वो काफ़ी एडवांस्ड ऐप है कंपेयर टू अदर ई वॉलेट ऐप्स जितने भी हैं, तो बहुत आसानी से हो जाता है। मैं भी खुद यूज़ करता हूँ और मुझे कोई इतना इशू नहीं आता है, और कैशबैक भी काफ़ी मिलता है मुझे उसमें, पैसे ट्रांसफ़र करने की भी कैशबैक मिलते हैं। वो भी शायद आपको पता होगा कि आप जितना उसको यूज़ करेंगे पेटीएम आपको उतना कैशबैक भी देता है, थोड़ा परसेंटेज, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए भी, लेट्स सी कि क्या करती है गवर्नमेंट इसके बारे में। तीसरी खबर है दोस्तों दिल्ली NCR की तरफ से एक और नाम मिल गया उनको, टॉप ऑनलाइन बाइंग सिटी, मतलब
ऑनलाइन परचेस में दिल्ली एनसीआर इंडिया में फिर से नंबर वन आ गया है, और अच्छी बात है जानने के बाद, क्योंकि दिल्ली में पहली बात तो पॉपुलेशन ही इतनी है कि अगर कोई एक बार भी प्रोडक्ट खरीद ले पूरे साल में तो भी शायद उनके 2 करोड़ तो वैसे ही हो जाएंगे परचेसेस, तो ऑब्वियस ही बात है। बट मेरे हिसाब से देखने जाए तो मुंबई भी पीछे कम नहीं है, दिल्ली काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसे आगे है। लास्ट वीक की बात करूँ तो मोस्ट वेल रीड सिटी में भी उनका पहला नाम था और इसमें भी अब पहला नाम आ गया, तो अच्छी बात है। दिल्ली के बारे में अच्छा लगा सुन के, दिल्ली काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है टेक्नोलॉजी वाइज इस लेवल पे कि मतलब यूज़ हो रहा है इंटरनेट और इंटरफेस भी काफ़ी अच्छे एडवांस हो रहे हैं, तो आई होप कि और अच्छी प्रगति करेंगे। दूसरी सिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद है, उनका तो कहीं नाम ही नहीं आता अभी इस टाइम पे, उनका भी थोड़ा नाम सुनने मिलेगा तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, खाली दिल्ली का नाम सुन के शायद आपको उतना अच्छा ना लगे। ओके दोस्तों, अभी आगे बात करते हैं अमेज़न की तरफ से। फिर से अमेज़न में एक प्रोग्राम है, अमेज़न रिवॉर्ड प्रोग्राम। अगर आप अमेज़न में सेल करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आप अर्न कर सकते हैं, शायद आपको ये पता होगा, बट जिसको नहीं पता है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम से है लेकिन अभी ये सीज़न ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं अमेज़न रिवॉर्ड प्रोग्राम से। वहाँ पे आप रेफ़र करते हैं तो 2,500 से 5,000 तक के भी आपके रेफरल्स अमाउंट मिल सकती है। हर एक प्रोडक्ट अगर आप FBA में भेजते हैं रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, आपके अमेज़न अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। और वैसे काफ़ी सारे फीचर्स वहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ कि अमेज़न रिवॉर्ड प्रोग्राम कैसे काम करता है, उसकी मैंने लिंक दे रखी है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल में तो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके वो सारे फीचर्स वहाँ पे देख सकते हैं। तो फ़ायदा उठाइए दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, किसी को रेफ़र कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स जो अमेज़न रेकमेंड कर रहा है आपको वो प्रोडक्ट आप FBA में भेजिए तो उससे भी आपको, अगर एक प्रोडक्ट भेजते हैं तो 25 रुपये आपको मिलते हैं, अगर आप 100 प्रोडक्ट भेज देंगे तो आराम से आप हिसाब लगा लीजिए कितना हो गया, 2,500 रुपये आप आराम से उस हिसाब से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आराम से 2,500, 5,000, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द मंथ जो पैसे आप बचाएंगे वही पैसे आपका इनकम में भी वैल्यू ऐड होगा, ठीक है। तो बताइए अगर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको वीडियो एक बना के उसका समझा दूंगा। लास्ट खबर है दोस्तों गूगल की तरफ से। गूगल और इंडियन गवर्नमेंट अब साथ साथ मिलकर थोड़ा काम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, गूगल अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और ट्रेनिंग अपनी तरफ से देगी इंडियन कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को, इंडियन कंज्यूमर डिपार्टमेंट को। करीबन 1200 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे गूगल ट्रेनिंग देगी टू इम्प्रूव ऑन द वर्क एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव ऑन द स्पीड ऑफ वर्क, और उसमें एक्यूरेसी और काफ़ी सारे अलग अलग जो बेसिक काम हम कॉरपोरेट ऑफिस में करते हैं उसी टाइप का वर्क अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होने लगेगा विद द हेल्प ऑफ गूगल। और यही चीज़ जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहाँ पर भी गूगल अपना हाथ बढ़ाने वाला है। तो ये ऐसा होने से फ़ायदा एक हमारे इंडियन सिटीजन्स को ये होगा कि जो इनएफिशिएंसी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपने बहुत बार देखा होगा काफ़ी जगह पे इनएफिशिएंसी होती है, काम बहुत स्लो होता है, तो वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा और इससे हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडियन सिटीजन्स, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ सेविंग टाइम, और एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, और डेटाबेस जो उनका बनेगा वो डेटाबेस भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे स्टोर करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको भी उस हिसाब से मिलेगी इन मच एडवांस्ड मैनर। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई डेटा है इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, आपका खुद का डेटा उनके पास है और आपको रिट्रीव करना है तो शायद अभी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर ये गूगल और इंडियन गवर्नमेंट साथ में थोड़ा मिलजुल के काम करती है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करके आपके लिए बता सकती है आपको इन फ्यूचर, कोई मोबाइल के थ्रू या फिर कोई लॉगिन आईडी के थ्रू आप सब ट्रैक रख पाएंगे। तो यही बेसिकली प्लान है उनका कि सारी इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग और ये सब दिया जाए ताकि इंडियन सिटीजन्स का काम थोड़ा आसान हो जाए। तो बस यही खबरें थी दोस्तों आज के। आई होप कि ये डेली तड़का न्यूज़ आपको पसंद आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा दोस्तों, मैं कुछ और प्लान करूँगा।
ये मैं यही सोच के बना रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें रोज़ की इंटरनेट और ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स के बारे में, तो जितना हो सकेगा उतनी खबरें मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।